तो ये सांसद किरोड़ीलाल मीणा का धरना आठवें दिन भी जारी है। पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर वो धरना दे रहे हैं। और आपको बता दें कि तेज ठंड के बावजूद धरना स्थल पर वो यहां पर डटे हुए हैं और धीरे धीरे धरना स्थल पर बीजेपी नेताओं का समर्थन बढ़ने लगा है। सोमवार को सांसद रामचरण बोहरा, इसके साथ ही विधायक और कई नेता धरना स्थल पर पहुंचे। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में भी इसको लेकर आवाज उठाई है। और हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। विष्णु, जिस तरीके से पेपर लीक का ये मामला जो है गर्माता नजर आ रहा है, आठवां दिन है आज सांसद किरोड़ीलाल मीणा के धरने का और लगातार उनके समर्थन में बीजेपी के दो तमाम विधायक और नेता है वो जुड़ते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दूं कि पहले दिन केवल राजेंद्र राठौड़ और विधायक रामलाल शर्मा और सूरज भानाट्य पहुंचे थे, उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। एक तरह से लगभग ये लग गया था कि बीजेपी इस मामले से दूरी बनाए हुए है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार देखा यह जा रहा है कि बीजेपी नेताओं का समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। और बीजेपी ने कल इस मामले को लेकर, पेपर लीक के मामले को लेकर और किरोड़ीलाल का जो धरना चल रहा है उसको लेकर यहाँ पर विधानसभा में भी शाम को मामला उठाया था और यहाँ वेल में आगे थे, सदन के वेल में, और वहाँ अशोक लाहोटी और विधायक रामलाल शर्मा वेल में पहुंच गए थे, उनके साथ के युवा विधायक भी पहुंच गए थे, नारेबाजी भी की थी। वही दूसरी ओर लगातार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ट्वीट करके और उनका समर्थन जता चुकी है और उन्होंने कहा कि किरोड़ीलाल मीणा अकेले नहीं है, हम सब उनके साथ हैं। और इसके अलावा कल सोमवार को अगर देखा जाए तो सांसद रामचरण बोहरा, विधायक वासुदेव देवनानी और इसके अलावा जो बीजेपी के और कई नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, इसके अलावा पूर्व मंत्री है रोहतास शर्मा और इसके अलावा अभिमन्यु सिंह राजवीर सहित कई नेता यहां पर पहुंचे थे और उनको समर्थन दिया था। और इधर फिलहाल सरकार की ओर से कोई वार्ता का न्योता नहीं मिला, तो ऐसे में ये मामला गहराता जा रहा है और लगातार आज आठवां दिन है, क्योंकि पिछले मंगलवार को किरोड़ीलाल मीणा ने अपना धरना शुरू किया था और उसके बाद से आज आठ दिन हो गए। आठ दिन में दो बार सरकार की ओर से वार्ता के प्रयास किए गए। पहले दिन जब हाईवे जाम कर रखा था तब पुलिस कमिश्नर और एडीएम ने किरोड़ीलाल मीणा से वार्ता की थी और कुछ सुझाव भी दिए थे। उसके अगले दिन जो गृह राज्य मंत्री है राजेंद्र यादव, उन्होंने वार्ता की थी किरोड़ीलाल मीणा से और उन्होंने कुछ और जानकारी दी थी सरकार की ओर से, पर वो बात समझौता सफल नहीं हो पाया और अब उसके बाद से सरकार की ओर से कोई वार्ता का न्योता नहीं मिला, तो ऐसे में किरोड़ीलाल मीणा धरने पर बैठे हुए। साथ ही किरोड़ीलाल मीणा ने चेतावनी तक दे चुके हैं कि सरकार अगर इसको वार्ता का प्रयास शुरू नहीं करती है तो किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है या उस दिशा में काम नहीं होता है तब तक वो अपने धरने पर अड़े रहेंगे यहाँ पर और डटे रहेंगे। चलिए विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।